राजस्थान की धरती महलों, किलों और बड़ी बड़ी हवेलियों के लिए पूरे विश्व में मशहूर है। और एक राजस्थान का एक एक किला अपने आप में एक अनूठी पहचान के साथ सदियों से अपनी कहानी कह रहा है। स्थापत्य और वास्तु का बेहतरीन उदाहरण पेश करते राजस्थान के ये दुर्ग और किले आज भी देखने वालों को अचंभित कर देते हैं। वैसे तो यहाँ हर एक किले में कुछ न कुछ खास बात है, लेकिन आज हम बात करेंगे झालावाड़ के गागरोन दुर्ग के बारे में, जो जल दुर्ग के नाम से प्रसिद्ध है और साथ ही हिंदू मुस्लिम एकता को भी दर्शाता है। नमस्कार, मैं ज्योति राघव, आप देख रहे हैं नवतेज टीवी। बता दें कि झालावाड़ जिले की ऐतिहासिक विरासत जल दुर्ग गागरोन को यूनेस्को द्वारा 21 जून 2013 को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था, जो न केवल झालावाड़ जिले बल्कि पूरे देश के लिए एक गौरव की बात रही। एक ओर जहां विश्व विरासत में शामिल होने के बाद जल दुर्ग के माध्यम से झालावाड़ विश्व के नक्शे में अपनी अलग पहचान रखने लगा, तो वहीं क्षेत्र में पर्यटन उद्योग को भी खासा बढ़ावा मिलने की उम्मीद को पर लगे। लेकिन प्रदेश सरकार की उदासीनता कहें या जिला प्रशासन की लापरवाही, विश्व धरोहर में शामिल जल दुर्ग में पहुंचने वाले पर्यटकों को आवश्यक संसाधनों की कमी के चलते खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। झालावाड़ के जल दुर्ग गागरोन को विश्व धरोहर में शामिल हुए करीब 10 वर्ष बीत चुके हैं। ऐसे में विश्व धरोहर दिवस पर पर्यटन विकास समिति झालावाड़ के सदस्यों द्वारा दुर्ग परिसर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पर्यटन विकास समिति अध्यक्ष ओम पाठक ने बताया कि विश्व धरोहर में शामिल जल दुर्ग झालावाड़ वासियों के लिए गौरव का प्रतीक है, लेकिन जिला प्रशासन की उपेक्षा से यहां पर्यटकों को निराशा हाथ लगती है। ओम पाठक ने बताया कि जल दुर्ग गागरोन बिना नींव के चट्टानों पर बनाया गया एकमात्र दुर्ग है, जिसकी रक्षा तीन ओर से आहू तथा काली सिंधी नदियां करती हैं, जिनके संगम स्थल पर इस जल दुर्ग का निर्माण किया गया था। आपको बता दें कि कई ऐतिहासिक साक्ष्यों को समेटे जल दुर्ग का निर्माण मुकुंदरा की पहाड़ियों पर हुआ, जहां अब टाइगर रिजर्व क्षेत्र भी बन गया है। ऐसे में विदेशी सैलानियों के आने का भी खासी उम्मीद जगी है। गागरोन दुर्ग तक पहुंचने के लिए हाई लेवल पुलिया का निर्माण होना आवश्यक है, क्योंकि बारिश के दौरान में नदियां उफान पर होती है और गागरोन जल दुर्ग तक पहुंचने के सभी मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। दुर्ग परिसर में जगह जगह जंगली घास उगी हुई है, जिसे साफ करवा कर ग्रीन कार्पेट बगीचे विकसित किए जाए। पर्यटकों को वहां पहुंचने पर आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था मिले, जिससे जल्द से जल्द जल दुर्ग गागरोन न केवल प्रदेश में बल्कि विश्व के पटल पर भी अपनी पहचान कायम कर पाए। धरोहर दिवस पर सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हैं। आज हमारा झालावाड़ का गौरव में ये इतिहास है कि यहाँ पे जो गढ़ गागरोन है, ये जल दुर्ग के नाम से विश्व धरोहर में शामिल है। इसके तीन तरफ नदियाँ हैं और बिना नींव का ये चट्टान पर टिका हुआ ये किला है, साथ में एक साइड में इसके खाइयाँ हैं, तो इसको जल दुर्ग की वजह से इसको विश्व धरोहर में शामिल किया गया है, क्योंकि यहाँ पर पानी का स्तर दो नदियों का संगम पर ये किला बना हुआ है। यहाँ पर विश्व धरोहर में शामिल होने के बाद यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएँ होनी चाहिए उसका यहाँ बहुत अभाव है, इसलिए यहाँ पर्यटक आ नहीं पाते हैं। इसके लिए आज हमने विश्व धरोहर दिवस मनाया है। हमने प्रशासन से मांग की है कि यहाँ पर मूलभूत सुविधाएँ करें, जिससे अधिक से अधिक संख्या में पर्यटक यहाँ पर आए, और एक जो लोकल पर्यटक होते हैं उनकी जो यहाँ पर दर है उसको भी यहाँ कम किया जाए, और जिससे कि यहाँ लोकल पर्यटक आएंगे तो उससे ज़्यादा इसका ख्याति मिलेगी। और आज के दिन हम यही मांग करेंगे कि यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं की बढ़ोतरी हो। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।